जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल फार्मेसी का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माको विजिलेंस बोला जाता है। ठीक है, तो फार्माको विजिलेंस के बारे में क्या होता है इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए फार्माको विजिलेंस को दो वर्ड में यानी दो वर्ड से डिराइव किया गया है। दो वर्ड से डिराइव, फार्माकोन मतलब ड्रग्स या मेडिसिन होती है, विजिलेंस मतलब टू कीप वॉच, इसके बारे में बताना। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए WHO के अनुसार क्या होती है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है। फार्माको विजिलेंस यानी डिफाइन एज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंशन ऑफ द ठीक ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी अदर ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या होता है, फार्माको विजिलेंस ठीक डिफाइन करती है, साइंस की ऐसी ऐसी ब्रांच होती है जो डिफाइन करती है किसी भी ड्रग्स का डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी अदर दवा से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, तो उसी को क्या बोला था, फार्माको विजिलेंस बोला जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन तुम्हारे पास ट्रीटमेंट मैक ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव द पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है, सेफ्टी रिलेटेड भी हमें प्रॉब्लम को मेंटेन करना है। यूज ऑफ मेडिसिन ऑल मेडिसिन पैरा ठीक है पैरा मेडिकल इन्वेंशन, जैसे तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड के दौरान, हाँ अब देखिए अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको एक केमिकल लगाता है, तो उस केमिकल इसलिए करता है कि हम किसी भी डिजीज को जल्दी जल्दी क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, उसे अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, अल्ट्रासाउंड BC यानी CBC में प्रयोग किया जाता है, ECG यानी ECG में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में लिखा है टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, और यानी क्या होता है सेटिस्फाई रिलेटेड टू यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में बताता है, अर्ली डिटेक्शन एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी बताता है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर को भी ये क्या कर देता है, आइडेंटिफाइफिकेशन में मदद करता है। अब इसका तुम्हारे पास यहाँ आपके सामने ठीक है स्कोप के बारे में देख लीजिए। ठीक है, इसी को छाप दीजिएगा आराम से। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यदि आपको आता तो पेशेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग डर्मेटोलॉजी ब्लड बैंक खोल सकते हैं, एकेडमी खोल सकते हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट वैक्सीन वगैरह भी लगा सकते हैं, हर्बल मेडिसिन भी आप खोल सकते हैं, या क्या होगा डिजीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी आप चला सकते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस क्या क्या लिखिएगा, सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस की डिफिनेशन और इसके क्या लिखने पर ऑब्जेक्टिव, और तीसरा तुम्हारे पास क्या लिख दीजिएगा यहाँ से, ठीक है ये क्या बोलती है स्कोप के बारे में लिख देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।